ओम शांति। और क्योंकि मेरा जो समर्पण हुआ ना, ये भी बाबा ने ही कराया। ये घटना तो मेरी छूट रही थी, बहुत इम्पोर्टेंट सुनाने से। जब मैं सर्विस करती थी, शादी नहीं की, तो बहुत से लोग कहते थे आप शादी नहीं कर रहे हो, आप शादी नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, कौन आपको मदद करेगा, कौन आपका होगा। तो मैं उनसे बस यही एक बात कहती थी कि आप लोग शादी करते हो तो किसी इंसान को जीवन देते हो ना, इंसान पर भरोसा करते हो, और उस इंसान की भी एक लिमिटेशन होती है, वो एक लिमिट के अंदर आपका करेगा। आप बीमार होंगे, आपको डॉक्टर के पास लेकर के जाएगा, दवा करा देगा, और ज़्यादा कुछ कहोगे तो अगला कहेगा दवा करा तो रहे और क्या कर सकते हैं। मैंने कहा जिसको मैंने जीवन दिया है, जिसको मैंने अपना साथी बनाया, उसकी कोई लिमिट नहीं है। वो ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं कर सकता, वो सर्वशक्तिमान है, वो बैठा है, वो जानेगा मैं क्या करूं। और मुझे वास्तव में समर्पित जीवन बहुत अच्छा लगता था। समर्पित नहीं हो पाई थी तो बहनों को जब देखती थी ना, बाबा से कहती थी ये कितना अच्छा जीवन है, मैं समर्पित नहीं हो पाई। ये मन में हमेशा मेरे रहता था, और ये कि बाबा देखेगा। अब देखिए परिस्थिति कुछ ऐसी बनी कि बैंक की सर्विस छोड़नी पड़ गई। और मैंने तो ये सोचा था कि ये एक मकान का पोर्शन सेवा में लगा देंगे, बहनें सेवा करेंगी, मैं बैंक में रहूँगी क्योंकि पिता हमारे बीमार हैं, मेरा भाग तो उन्हीं की सेवा करना है, मैं फ्रंट में नहीं आऊँगी। मगर ड्रामा अनुसार कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी, सेंटर पर कोई बहन जो थी, जो बहनें आती थी वो रुकती ही नहीं थी। वो बाबा जाने क्यों नहीं रुकती थी, मगर मुझे मालूम है क्यों नहीं रुकती थी, क्योंकि बाबा को मुझे फ्रंट पर लाना था। और एक बहन जो हमारे पास मीरा बहन आई, वो थोड़ी छोटी उम्र की थी, 19-20 वर्ष की। तो दीदी ने कहा सुनीता अब तुम आगे आओ। मैंने कहा दीदी मुझे नहीं करना है, क्योंकि मैंने तो सोच लिया था कि मुझे सेवा तो करनी नहीं, मेरे भाग्य में ही नहीं है। दीदी ने कहा नहीं अब तुमको आगे आना पड़ेगा, वो छोटी बहन है, अभी छोटी है, उसको संभालना पड़ेगा, तुम्हें आगे आना पड़ेगा। तब मैं आगे आई, और समर्पित होना ये तो भूल गई थी, सोचा ही नहीं था। उसके बाद में 2008 में जब समर्पण का हुआ, तो सर्विस पहले ही छूट गई थी, छोड़ दी थी। वो परिस्थितियाँ ऐसी पड़ गई, पिताजी बहुत बीमार हो गए, मेरा ट्रांसफ़र लखनऊ हो गया, अब लखनऊ जाएंगे तो पीछे से कौन देखेगा, फिर क्लास कैसे चलेगी, क्योंकि मैं और मीरा बहन। तो सर्विस तभी छोड़ दी थी। 2008 में समर्पण समारोह हो रहा था, दीदी ने कहा अब आप तैयार हो जाओ, आपका दोनों का समर्पण होगा। अरे मेरी माताजी, लौकिक माताजी बड़ी खुश हुई, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं, मेरे तो आंखों से आंसू निकल पड़े कि क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा भी समर्पण हो सकता है। मैंने अच्छा, उसी समय हमारी मम्मी की तबीयत खराब हो गई। फिर मैंने पूछा कि मेरा समर्पण हो रहा है, क्या दोगे, पिता को पूछा आप क्या दोगे। तो उन्होंने तो कोई गोलमोल जवाब दिया, उन्होंने कहा, मम्मी ने कह दिया कि बेटा तुम तो मुझे जेवर पहनने देती नहीं हो, तो मैंने जितने वो सब मैं दे दूंगी, दादी आ रही हैं मैं सब दे दूंगी। तो मैं तो उनकी शक्ल देखने लग गई। मैंने कहा आप दे दोगे, बोली हाँ। मैंने कहा अपने लड़के की क्या पोते की शादी के लिए, नाती पोते की शादी के लिए नहीं रखना, बोली नहीं 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 रखना, मुझको दे दूंगी। तो उन्होंने वो जब दादी आई, तो उस समय अच्छा उनकी तबीयत ख़राब थी। एक दिन पहले मैंने दीदी को बोला, दीदी मुझको नहीं लगता है कि मुझे समर्पण होना चाहिए, मेरा समर्पण कैंसिल कर दो, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरी मम्मी लंबे समय तक बीमार होंगी और मैं समर्पित नहीं होना चाहती हूँ। दीदी ने कहा देखो तुम समर्पित हो, व्यर्थ संकल्प जरूर समर्पित कर दो, यहाँ सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, आप ना नहीं करो। दूसरे दिन समर्पण समारोह था, उसके पहले मम्मी को दिखाया था, तो मम्मी के लिए कहा डॉक्टर ने कि दो दिन बाद उनका सीटी स्कैन कराना है। एक्चुअली उनका जो हाथों की स्ट्रेंथ कम हो रही थी, बाएं हाथ की स्ट्रेंथ कम हो जाती थी, और जब तक पकड़े पकड़े तब तक उनका हाथ ठीक हो जाता था। तो न्यूरोलॉजी थी जो डॉक्टर भी नहीं समझ पाया और हम लोग भी नहीं समझ पाए। मंडे को आपका समर्पण का प्रोग्राम पूरा हो जाए, मंडे को उनका सीटी स्कैन करवा लेना, अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मगर जब समर्पण हुआ, मम्मी ने सब कुछ किया, अपना जो जो स्त्री धन कहते हैं वो जाने के पहले अपना सब कुछ दादी जी को समर्पित कर गई। मेरा हाथ दादी रतन मोहिनी जी के हाथ में दिया, मोहिनी दीदी के हाथ में दिया, समर्पण समारोह अटेंड किया, घर वापस आई। रात 12:30 बजे हम लोग सोए हैं और सवेरे 5:30 बजे उनकी आवाज़ सुनाई दी, गिर गई थी, उनको ब्रेन अटैक हो गया था, ब्रेन की आर्टरी उनकी ब्लॉक हो गई थी। हॉस्पिटल ले जाया गया, डॉक्टर ने देखा, हम लोग का वो मेकअप सब वैसे ही था, वैसे ही भागे हैं हॉस्पिटल। उनका वो जो साड़ी पहन के प्रोग्राम अटेंड किया था, उसी साड़ी में, उसी ऑर्नामेंट्स में सब हॉस्पिटल पहुंच गई। डॉक्टर ने देख करके कहा, अरे उस समय तो लग ही नहीं रहा था कि ये 2 दिन नहीं चल पाए। उसके बाद फिर उन्होंने उसके नेक्स्ट डे शरीर भी छोड़ दिया। अब मेरी बुद्धि में एक बात चली कि अगर वो घटना 12 घंटे पहले हो गई होती तो मेरा समर्पण रुक गया होता, समर्पित नहीं होते। वो घटना समर्पित होने के 4-5 घंटे बाद हुई, क्योंकि एक बार उनको चक्कर आया था जब हम लोग जा रहे थे वो समर्पित जहाँ प्रोग्राम होना था, कार्यस्थल स्थल पर जा रही थी तो उनको हल्का चक्कर आया था, मगर वो संभल गई थी। बोली, नहीं नहीं बेटा मैं ठीक हूँ, मैं कहूँ वापस चलूँ, नहीं नहीं बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पूरा प्रोग्राम देखा और अगले दिन 4-5 घंटे बाद उनको ब्रेन अटैक पड़ा। तो अब क्या कहेंगे कि ड्रामा, उनको तो जाना था, मगर जाने के पहले वो अपना सब कुछ जो उनके मन में था वो अपना सफल कर गई, वो आत्मा भी सफल कर गई और वो मुझे भी, मेरे जीवन को भी सफल करा गई। अगर 4-5 घंटा पहले हो गया होता तो समर्पण रुक जाता, तब तो होता ही नहीं, क्योंकि मैं तो उनको लेकर के हॉस्पिटल पहुंची होती, हॉस्पिटल में होती। तो कहते हैं कि इसको हम कहते हैं एक बल और एक भरोसा।